तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हम तो एमएलए, हमें 6-8 MLA चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को, साथ जाति करने दी। मुगल कुर्ते कटेंगे, बटेंगे, जो भी कहें, फिर क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू बाबू को बोले आए विपद महान, भाई टूटे घर की कोई, मिटे घर का सुल्तान। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं रोहतक से आपके साथ जुड़ा हुआ, रोहतक हरियाणा। और थोड़ी देर बाद जाने माने गायक कन्हैया मित्तल, जिनका गाना बहुत लोकप्रिय है बटोगे तो कटोगे, एक राजनीतिक बयान है जिसको उन्होंने गीत की शक्ल में अब आगे बढ़ाया है। और नए सिरे से इस मामले पर चर्चा तेज़ है कि बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, इसके सियासी मायने अपने हो सकते हैं, समाज में इसका अपना संदर्भ है और देश में इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा है। थोड़ी देर में कन्हैया मित्तल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बटोगे तो कटोगे को हिंदुस्तान में किस तरीके से रखा जाना चाहिए। क्या बीजेपी या बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि आप बटोगे तो दूसरे जश्न मनाएंगे, खुश होंगे, और आप बटोगे तो आप कटोगे, यानी कि कहाँ से कटोगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सही अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है और सही संदर्भों में उनको देखा जाना भी चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, परिणाम नहीं है, और यह एक लगातार बढ़ने वाली परम्परा है, कोई अन्य धर्मों की तरह निश्चित रहस्य उद्घाटन नहीं है। और यह जो दो लाइनें हैं, यह अपने आप में हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से परिभाषित करती हैं, और ये इसमें हिंदू धर्म की जो बारीकी है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो पूरी परिभाषा है, वो निहित है। अब यहीं से आपको आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसको समझना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कटने जा रहा है। दरअसल बीजेपी की आप मानेंगे तो बीजेपी का कहना ये है कि जैसे ही हिंदू समुदाय को एक सनातन परंपरा जो है वो कई जातियों में ज़रूर है, वो जातियाँ इसकी धाराएं हैं, लेकिन वो एक ही परंपरा है, एक ही नदी है, और उसको बार बार बांटने की कोशिश का मतलब ये है कि आप सनातन को समूल ख़त्म करना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को आप नष्ट करना चाहते हैं, उसकी पहचान को आप ख़त्म करना चाहते हैं। और सनातन की जो अपनी एक परंपरा रही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत चलता है, जिसमें मानव कल्याण का सबसे बड़ा पर्व है, उस सब को आप कहीं ना कहीं एक अंत तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि सनातन के विरुद्ध में एक अलग तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, और उसी राजनीति के विरुद्ध जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है वो है बटोगे तो कटोगे। तो पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाना चाहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, यह जो एक टुकड़ा है जो योगी आदित्यनाथ के जरिए खड़ा हुआ, उसको आगे प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच में कैसे रखा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे,
हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बांटने वाले महफिल सजाएंगे तो उनका इशारा जो होता है वो विपक्ष की तरफ होता है। विपक्ष के वो तमाम दल, वो राजनेता जो जातियों के आधार पर हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन असलियत में कभी भी उन्होंने अपनी राजनीति में, राजनीति के जरिए जब वो सत्ता तक पहुँचे तो उन्होंने आज जो जुमला पढ़ रहे हैं उसको उतारा नहीं। चाहे अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, बीजेपी बार बार इनकी तरफ उंगली उठाती है कि जब कभी भी यह सत्ता में रहे हैं आप एक बार सच्चाई को पलट करके देख लीजिए, इन्होंने किसका भला किया है। क्या कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई? जिन जातियों की समाज में जितनी हिस्सेदारी थी उसके आधार पर सरकारी नौकरियों में या सरकारी संसाधनों में उनको भागीदार बनाया? या फिर वो तमाम दल जो कहते हैं कि जातियों के आधार पर ही या उनकी हिस्सेदारी के आधार पर ही उनकी देश के संसाधनों में या अवसरों में भागीदारी होनी चाहिए, दरअसल उन्होंने कभी भी सत्ता के जरिए उस पर अमल करने की कोशिश की और नहीं की है, तो बस यह एक फरेब है और सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और बीजेपी यहाँ आकर के मजबूत हो जाती है क्योंकि वो जो कुछ भी कहती है उसका बहुत बड़ा आधार लोगों को दिखता है, क्योंकि पिछले 75 साल के शासन में कांग्रेस लगभग 60 वर्षों तक शासन में रही है और बाकी जो दल रहे जो आज की तारीख में हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं, यानी कि हिंदू समाज के भीतर जातियों के बंटवारे और जातियों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, उनके भी शासन के 12-15 साल रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा चेहरा आज की तारीख में राजनीति का नहीं है जो जातियों के आधार पर उनके हक की बात करता हो और वो सरकार के जरिए जब सत्ता में रहा हो तो वैसी बात कर गया हो, यानी कि आपकी कथनी आपकी करनी में समानता हो, ऐसा है ही नहीं। और यह जो असमानता है, भेद है, वही उनकी पोल खोलती है और यह पोल खोलना जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत हो जाती है। और यहीं आकर के बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं मोहन भागवत को सुनाऊँ उससे पहले अम्बेडकर के जरिए आपको मैं संघ तक ले चलना चाहता हूँ। हालांकि दोनों में विचारधारा के स्तर बहुत अंतर है, लेकिन समाज को देखने के लिहाज से आप अंबेडकर और संघ दोनों को समानांतर रख सकते हैं, एक साथ भले ना रखें लेकिन समानांतर रख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों के खत्म करने को लेकर के जो अपनी थियरी रखी, जो अपने विचार रखे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी जो किताब है उसमें वो कहते हैं कि यह सनातन हिंदू धर्म जो है इसकी जो सबसे बड़ी बुराई है, इसमें जो जहर है वो जातियाँ हैं, और जातियों को ख़त्म कर देते हैं तो फिर हिंदू धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस्लाम को, ईसाइत को नहीं अपनाया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस्लाम को और ईसाइत को उन्होंने हिंदू धर्म से कभी भी बेहतर नहीं माना, और उन्होंने माना कि चाहे इस्लाम आप अपनाएं या फिर ईसाइत अपनाएं, जो दलित है उसका जो राष्ट्रवाद है, दलितों का राष्ट्रवाद, वो वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन हिंदुत्व को लेकर के उनकी जो अपनी राय रही है एक बहुत अच्छे धर्म के तौर पर उन्होंने देखा है। और जब भी मैं धर्म कहता हूँ तो मैं डॉक्टर राधाकृष्णन को कोट करना चाहता हूँ जो कहते हैं कि यह जो है यह एक लगातार चलने वाली परंपरा है, यह एक प्रक्रिया है, यह परिणाम नहीं है। और इस लिहाज से डॉक्टर अम्बेडकर भी हिंदू धर्म को देखते रहे हैं, लेकिन जातियों के खिलाफ वो लगातार खड़े रहे और जातियों को ख़त्म करने के हक में उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत बुलंद की और बहुत सारे आंदोलन उनके जीवन के जो रहे वो जातियों के विरोध में ही रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातियों को ख़त्म करो। इस देश में जातियाँ सिर्फ चार ही रोज हो सकती हैं, एक किसान है, एक गरीब है, एक महिला है, एक नौजवान है, और इन चारों के अलावा जितनी भी जातियां हैं वो महज फरेब हैं और उनके भीतर बंटवारे की नज़र से देखने वाली जो नज़र है या जो लोग हैं दरअसल वो हिंदुत्व के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर मोहन भागवत को सुनवाना चाहता हूं, संघ के प्रमुख हैं और संघ इस बटोगे तो कटोगे के नारे को अपना समर्थन देता है और उसके पीछे उसका अपना एक तर्क है जो मजबूत है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है,
तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। अब कुछ सच्चाइयां मैं आपके सामने दुनिया से उठा के रखना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं और ये सच्चाइयां इस बात की गवाही हैं कि जब कभी भी धर्म के आधार पर किसी भी देश के भीतर दो आबादियां अलग अलग इलाकों में बस जाती हैं, यानी कि एक इलाके में एक धर्म विशेष की आबादी और दूसरे में दूसरे धर्म विशेष की आबादी, तो उस देश की अखंडता खतरे में रही है और वो खंड खंड हुआ है। यही जो आशंका है, यही डर जो है वो बार बार बीजेपी और संघ जताते रहे हैं। तो पहला जो केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो पूर्वी तिमोर का है। पूर्वी तिमोर एक बहुत छोटा सा देश है और ये इंडोनेशिया के बगल में है। पूर्वी तिमोर पर पुर्तगाली शासन हुआ करता था, जैसे हिंदुस्तान में गोवा में पुर्तगाली शासन था जो 1962 में ख़त्म हुआ। तो पुर्तगालियों का राज चला करता था पूर्वी तिमोर के ऊपर। 1975 में पुर्तगालियों ने वहाँ से अपना डेरा डंडा उठाया और वो घर चले गए। इंडोनेशिया की फौज पूर्वी तिमोर में घुस गई। इंडोनेशिया मुस्लिम देश और पूर्वी तिमोर में ईसाई थे और इंडोनेशिया की फौज ने पूर्वी तिमोर के भीतर जुल्म जाति ढाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि पूर्वी तिमोर को इंडोनेशिया का हिस्सा बना लिया जाए और इंडोनेशिया ने बहुत हद तक पूर्वी तिमोर के लोगों के ऊपर कहर बरपाया। उस समय जो ऑस्ट्रेलिया की फौज थी वो भी आ गई थी और पश्चिमी देश जो ईसाइयत के हक में रहते हैं और वो ईसाई देश कहे जाते हैं, उन देशों के ऊपर भी यह बहुत दबाव था कि पूर्वी तिमोर को बचाया जाए और एक स्वतंत्र देश के तौर पर उनको दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया जाए। और पूर्वी तिमोर बाद में इंडोनेशिया को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और पूर्वी तिमोर दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश के रूप में आया। अगर पूर्वी तिमोर मुस्लिम बहुल आबादी का देश होता तो इंडोनेशिया की सेना के घुसने और घुसने के बाद जुल्म करने की शायद गुंजाइश नौबत नहीं आती और वो आसानी से इंडोनेशिया का हिस्सा हो जाता। लेकिन नहीं होने का कारण जो है वो ईसाई बहुल जो देश है उसका होना है। पूर्वी तिमोर आज की तारीख में एक मुल्क है जिसकी अपनी एक पहचान है। पूर्वी तिमोर की आज की तारीख में जो राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी 1996 में शांति के लिए मिला हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण रखना चाहता हूँ आपके सामने और वो है सूडान का। जो अफ्रीका महादेश है उस महादेश में जो सबसे बड़ा देश हुआ करता था वो सूडान हुआ करता था। और सूडान में धीरे धीरे जो आबादी थी वो उसके दो हिस्सों में धर्म के आधार पर बस्ती चली गई। जो उत्तरी हिस्सा सूडान का हुआ करता है उसमें मुस्लिम आबादी जो पहले से थी मुस्लिम बहुल आबादी, जो ईसाई आने लगे वो धीरे धीरे दक्षिणी सूडान में बसने लगे और दक्षिणी सूडान उत्तरी सूडान के बीच में दो धर्मों का ये संघर्ष शुरू हो गया और ये बहुत लंबी और भयानक होनी लड़ाई रही है और उसमें लाखों की जान गई है। 10 लाख से ज़्यादा लोग सूडान के गृह युद्ध में मारे गए और बाद में दुनिया को दखल देना पड़ा। और 2005 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया तो वहाँ फिर ये कंसेंसस तैयार किया गया जो दक्षिणी सूडान है वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और दक्षिणी सूडान के लोगों ने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश चाहते हैं। और फिर ईसाइयों का जो हिस्सा दक्षिणी सूडान का था वो स्वतंत्र देश हुआ और 2011 में सूडान साउथ यानी कि साउथ सूडान एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। सूडान का बंटवारा सिर्फ इसलिए हुआ कि सूडान के दो हिस्सों में दो अलग अलग धर्मों की आबादियां रहने लगी और उन आबादियों के बीच में युद्ध छिड़ा। वो साथ रह नहीं सकती थी और आमने सामने रहने की स्थिति में वो एक देश के भीतर रहने की गुंजाइश पैदा नहीं कर पा रही थी, इसलिए सूडान का बंटवारा हो गया। अब आपके सामने एक तीसरा उदाहरण है कोसोवो का और ये तीनों उदाहरण जो हैं आपको बहुत सारे लोग देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोसोवो जो है वो बालकन देश है। जब आप दक्षिण पूर्वी यूरोप में जाते हैं जहाँ सर्बिया है, बुल्गारिया है, कोसोवो है, मोल्दोविया है, तो जो बाल्क प्रदेश हैं यानी बाल्क पर्वतमाला है उस पर्वतमाला के आसपास जितने भी देश बसे हैं वो बालकन देश कहे जाते हैं। हिमालयन रेंज में हम भूटान भी है, नेपाल भी है, हिंदुस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, तो इस तरीके से बालकन रेंज में बहुत सारे देश हैं जिनका जिक्र मैंने किया। वहाँ कोसोवो है तो पहले यूगोस्लाविया हुआ करता था, यूगोस्लाविया बाद में सर्बिया में बदला, आपको याद होगा। सर्बिया जो है जब बटा मोल्दोविया सर्बिया हर्जेगोविना तो सर्बिया ने अपने तहत कोसोवो को रखा क्योंकि सर्बिया
के साथ खुशबू बहुत लंबे समय से रहा, लेकिन समय के साथ साथ हुआ ये कि खुशबू के भीतर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और जो सर्वियन थे वो लगभग 5-10% के आसपास बच गए, खास करके उत्तरी कोसोवो में। तो संघर्ष जो है वो सर्वियन लोगों और जो कोसोवो में मुस्लिम धर्मावलंबी थे उनके बीच में लगातार बढ़ता चला गया और गृह युद्ध के तौर पर वो सामने आने लगा। तो सर्बिया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे स्लोबोदान मिलोसेविक, तो स्लोबोदान मिलोसेविक ने कोसोवो के संघर्ष को ख़त्म करने के लिए अपनी फ़ौज का इस्तेमाल किया और बेतहा उन्होंने जुल्म ढाया, लेकिन बाद में पश्चिमी देशों के दखल के बाद से स्लोबोदान मिलोसेविक को बेदखल किया गया और फिर कोसोवो को अलग से एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में हैसियत दी गई और धीरे धीरे कोसोवो आगे चल करके आज़ाद हो गया। उसकी आज़ादी का कारण ये था कि कोसोवो में समय के साथ साथ मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई और वो कोसोवो के लोगों के साथ फिर रहने की हालत में नहीं थी, इसलिए यह संघर्ष बढ़ता चला गया और संघर्ष खूनी हो गया और बाद में वो कोसोवो के स्वतंत्र वजूद और सर्बिया से हट करके एक अलग देश के तौर पर अपनी हैसियत पाने में कामयाब रहा। और ये कामयाबी इसलिए है क्योंकि सूडान में भी उसी कारण से वहाँ एक अलग देश बना, जैसे पूर्वी तिमोर एक अलग देश बना। तो अब ये जो स्थितियाँ हैं इनको लेकर के आप देश के भीतर आ जाइए, क्यों होता है कि बंटोगे तो कटोगे, और इसमें हिंदुस्तान की अपनी जो बेहतरी है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी अखंडता है, वह भी निहित है। इसलिए इसके जो निहितार्थ हैं सिर्फ सनातन या हिंदू धर्म के लोगों को एक साथ रखने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अखंड रखने के लिए भी है। अब भारत के कुछ ऐसे राज्यों में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ जिन राज्यों में जो सीमावर्ती ज़िले थे वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वो हमारे देश के मुसलमानों के कारण नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के कारण ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ बिहार, और बिहार के कुछ ज़िलों को लेकर के अपने आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहार के सीमांचल के ज़िले हैं जैसे किशनगंज, किशनगंज में 68% और मैं 2011 की जनगणना जो थी उसके आधार पर यह आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, तो 68% मुस्लिम आबादी है, आज की तारीख में 72% से ऊपर है। कटिहार 44%, 44%, अररिया 43%, पूर्णिया 38%, दरभंगा 23%। लेकिन आप मानकर चलिए कि जो भी आंकड़ा है इसमें से 5-7% का और इजाफा आप कर दीजिए, जैसे आज की तारीख में पूर्णिया है वो 42-43% के आसपास मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है, तो इसमें आप 2011 में 38% था। और यह जो पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, सीमांचल के ज़िले हैं, इसमें बांग्लादेशी मुसलमान जो आए और रोहिंग्याज आए उनके चलते वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब आप ये सोचते हैं कि धीरे धीरे आबादी 80% आ जाती है, 60% आ जाती है, तो फिर आपके सामने कोसोवो या पूर्वी तिमोर या दक्षिणी सूडान जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, ज़िले हैं, उनका भी हाल आप देख लीजिए, और कुछ अंदर के भी ज़िले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, या सहारनपुर 42% मुस्लिम आबादी है, मुजफ्फरनगर 41% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43%, रामपुर में 51%, और ये 2011 की आबादी है, इसमें से 5-7% आप और जोड़ लीजिए, तो ये आबादी सब 50% के आसपास है, और ये 8-10% और बढ़ जाती है तो फिर यहाँ भी जो हालात होंगे वो दो अलग अलग समुदायों के बीच में लगातार टकराव के होंगे, हिंसक होंगे, और फिर दोनों अपनी अपनी ज़मीनों की तलाश में होंगे, अपने लिए अलग से राज्य की मांग करेंगे या देश की मांग करेंगे, और भारत के लिए यह खतरे की घंटी होगी या भारत के लिए यह बेहतर नहीं होगा। इसलिए जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हिंदुस्तान के भीतर आ रहे हैं वो दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, चाहे पूर्वी तिमोर में या सूडान में या कोसोवो में, उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। और जातियों के बंटवारे के ज़रिए जैसे सनातन को या हिंदू परंपरा को काट करके उसको खंड खंड किए जाने की साजिश चल रही है, कोशिश चल रही है, उसको भी उसी गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जातियों में आपका बंटवारा होता है तो आपकी संख्या जो है वो फिर अलग अलग जातियों के लिहाज से होगी, और वो आप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे की बारी की तरह वो आता चला जाएगा और धीरे धीरे वो एक के बाद दूसरे के खात्मे की तरफ जाएगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे को लेकर के जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो यह नहीं है कि आप सिर्फ हिंदू हैं और हिंदू के बंटवारे में अगर आप खड़ा हो जाते हैं, अलग अलग जातियों की जमात में खड़ा होकर के अपने हक की बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप डंडा तानते हैं या तलवारें तानते हैं,
तो आप अपनी पहचान सिद्ध जाते हैं, जो बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन आप अपने अधिकारों से, आप अपनी परंपरा से, आप अपनी संस्कृति से, एक गौरवशाली इतिहास से, और यह जो सनातन परंपरा बहुत लंबे समय से रही है उससे भी हाथ धोते हुए से आप दिखाई पड़ेंगे। तो यह अपने आप में जो बीजेपी का नैरेटिव है, उस नैरेटिव को कई तरीके से लगातार देखा जा रहा है और इसको अलग अलग संदर्भों में रखा जा रहा है। इसके अपने निहितार्थ ज़रूर हैं, लेकिन इसको भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हैं, और बहुत ये जो एक बहुत बड़ा समाज है हिंदू समाज, उसकी नज़रिए से, उसके नज़रिए से आप देखते हैं, तो फिर आपको इसके सही मायने दिखाई पड़ेंगे। और यह जो बटोगे तो कटोगे अब गीत की शक्ल में भी आ गया है, और गीत जो है वो कन्हैया मित्तल ने गाया है, जिन कन्हैया मित्तल की लोकप्रियता उस गाने से आई जो गाना राम मंदिर के ठीक पहले आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया मित्तल से अब आप मेरी बातचीत देखिए।